से हो आप सब। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, करंटली उनकी कंडीशंस क्या हैं। तो देखते हैं, मैं थोड़ा हटा ले रही हूँ, क्लिंजिंग के लिए मैंने धूप जलाए थे, काफ़ी धुआं धुआं हो रहा है। तो करंटली आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या है अपने पार्टनर की एनर्जी, आप उनका नाम मन में सोचें जिससे कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे। ओके, तो ओ माय गॉड, इतनी भयंकर एनर्जी है, ये गिरी वो गिरी और सारी गिर गई। ठीक है, सारे कार्ड्स गिर गए हैं, तो मैं थोड़ा समेट लूँ। फर्स्ट कार्ड इसमें एक आए हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, वो थर्ड पार्टी से बातें कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से उनकी शायद बहसबाजी चल रही है, या फिर ऑफिस में कलीग्स हैं, आप लोग एक साथ जॉब करते हैं, वहाँ पे आपके विषय में बातें चल रही हैं, आप दोनों के विषय में बातें चल रही हैं। ओके ओके, बिल्कुल चल रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिख रहे हो, पैसों की आपको कोई समस्या नहीं है, लोग आपको देख करके सोच रहे हैं कि इनके पास पैसे की समस्या नहीं है। और कहीं ना कहीं आपका पार्टनर भी अब रिग्रेट में है, पास्ट में उसने सोचा था कि इसके पास तो कुछ है ही नहीं मुझे देने के लिए, ये दे ही क्या सकती है मुझे, और आज की कंडीशन है कि ऐसी है कि आपके पास सब कुछ उन्हें दिख रहा है, उन्हें रिग्रेट हो रहा है मैंने क्या खो दिया, खोने का डर। यस, होपलेस हो चुका है आदमी, एकदम होपलेस हो चुका है ये व्यक्ति, वो अपना कर्मा फेस कर रहा है, उसने वो निगेटिविटी में जा चुका है व्यक्ति, लैक ऑफ फेथ, उससे अब खुद पे भी विश्वास नहीं हो रहा है, वो स्वयं पे अब विश्वास नहीं कर पा रहा है कि क्या मैं सही हूँ गलत हूँ। हाँ, लेकिन इतना तो सोच रहा है कि मैं पास में गलत था। एस ओ वन की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ, गुड न्यूज़ कुछ तो है जो उसके पास, जो आपसे शेयर करना चाहता है। पास्ट में आप दोनों बहुत सारी बातें किया करते थे, बहुत सारे विशेज थे आप दोनों के कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे वैसा, अचानक से क्या हो गया, तो अचानक से कुछ नहीं हुआ, सारी प्लानिंग के साथ हुई थी। आपके अन्य के पार्टनर है, आपको गोस्ट किया है पूरी प्लानिंग के साथ, उसने स्टार्टिंग में वो आपसे जुड़ा ही इसलिए था कि वो मज़े मस्ती करके और आपको छोड़ के निकल जाए, लेकिन आज जो उसने पास्ट में किया आपके साथ ये किया, आपका हार्ट ब्रेक करके वो निकल गया किसी थर्ड पार्टी के पास, और जो उसने किया आज उसकी कंडीशन ये है कि पास्ट में जो की गई गलतियां सब याद आ रही हैं, और जो उसने किया उसके साथ भी किसी ने किया है, बिल्कुल ओके माँ, बिल्कुल किया है, कर्मा वापस लौट के आता है, देखो कर्मा लौट गया है। आपके पार्टनर ने जो आपके साथ किया, अभी वो कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में है, कन्फ्यूज्ड है वो कि ये मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि पास्ट में जो उसने किया उसके साथ भी सेम टू सेम किसी ने किया है। आज उसे ये बातें समझ में आ रही है कि भैया जैसा करोगे वैसा तो भरना ही पड़ेगा, और आज आपकी वैल्यू समझ में आ रही है उसे, देखो आज आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिग्रेट में है, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में है, दुखी है, वो आपको खुद से दूर जाता हुआ देख रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है, अपॉर्चुनिटी उसने मिस कर दी है, आपके जैसी एक अच्छी लॉयल फ्रेंड या जो कहें जिसको उसने खोया है, लॉयल व्यक्ति को उसने खो दिया, इसका रिग्रेट है उसे, काफ़ी रिग्रेट है। बैक स्टैपिंग हुई है उसके साथ, किसी ने किया वही सेम कंडीशन उसे दिया है, सेम कर्मा मिला है जो उसने आपके साथ किया, उसने जो जो आपके साथ किया, जितना आपने झेला, जितने दर्द आपने सहे, अगर आप कलीग्स हो तो वो दर्द, अगर आपकी थर्ड पार्टी भी आपकी कलीग्स है तो वो दर्द जो आपने सहा, उन दोनों को साथ देखा कर, आपके जो आपकी बेइज्जती की लोगों ने, और वो आज की कंडीशन जो ऐसी है, तो वो जो आप तकलीफ झेला आपने और आप वहाँ से निकल गए, इन लोगों की लाइफ से निकल गए, और इसी तरह से आपको धोखे देकर के आपके पार्टनर आपकी लाइफ से अचानक से निकल गए, उसने कुछ जवाब नहीं दिया,
तो उस कंडीशन को याद कर रहा है वो, क्योंकि अभी सेम सिचुएशन में वो खुद फंसा हुआ है। सेम कंडीशन उसके पास अभी भी है, पता नहीं क्यों कार्ड सारे गिर के बार बार गिर रहे हैं। सेम सिचुएशन में वो खुद फंसा हुआ है, अब उससे रिग्रेट है। अब वो आपकी लाइफ में सन बन के आना चाहता है, अब आपकी लाइफ में वो सन बन के आना चाहता है। मुझे लगता है शायद पहले से कार्ड्स नहीं दिख रहे थे आपको, अभी दिख रहे होंगे। सन बन के आना चाहता है आपकी लाइफ में, परिवार बच्चे आपके साथ देता है, देखता है सक्सेस, देखता है आपके साथ हैप्पीनेस देख रहा है, लेकिन पास्ट में उसने देखा नहीं, पास्ट में उसने नहीं देखा। अभी की सिचुएशन यह है कि अगर आपके साथ कुछ चेंज करना चाहता है वो, आपके साथ फिर से पहले वाली लाइफ जीना चाहता है, लेकिन उसे फियर है, फियर है, वो प्लान नहीं कर पा रहा है, किसी भी तरह का प्लान नहीं कर पा रहा है। पास्ट में उसने जो भी की सारी कुछ प्लानिंग के साथ किया है, जो भी आपको ना फियर और इसमें डाला, जो भी एनजाइटी में डाला, आपको डिप्रेशन में डाला, उसने बहुत प्लान के साथ सारा कुछ किया है। उसने उसे लगा था कि मैं इस प्लान में सक्सेसफुल हो जाऊंगा, लेकिन शायद वो गलत था। आज उसे समझ में आ रहा है कि वो गलत था। वो डिसाइड कर रहा है कि अब मैं इस रिश्ते से निकल जाऊं। अब वो काफ़ी डिले भी हो रहा है, जिसकी वजह से वो भी परेशान है, मैं क्या करूं। वो निकल भी तो नहीं पा रहा है, उसने सोचा था मैं आसानी से निकल जाऊंगा, लेकिन कुछ तो है इस रिश्ते में जिसकी वजह से वो निकल नहीं पा रहा है। काफ़ी एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहा है वो पास्ट में, उसने आपके रिश्ते पर कुछ एफर्ट नहीं लगाए, कुछ भी मतलब नहीं किया आपके लिए, कोई कमिटमेंट नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया उसने, लेकिन अब वो आपके लिए कुछ करना चाहता है, इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहता है। कभी कभी मूव ऑन करने की एनर्जी है, लेकिन वो आपके लिए कुछ करना चाहता है, नए तरीके से, नई स्टाइल में सब कुछ फिर से शुरू करना चाहता है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है वो। इमोशनली अभी वो मैच्योर मेल है, ये अभी भी इमोशनली मेल ने मतलब मैच्योर नहीं है ये बंदा। अब कभी अभी अचानक से उसके साथ क्या हो रहा है ना, अचानक से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, फिर से थोड़ी सी एनर्जी आती है वो प्रैक्टिकल हो जाता है। चेंज माइंड ऑफ चेंज जो है ना, उसके माइंड में बहुत अजीब अजीब से ख्याल आता रहे, मैच्योरिटी नहीं है अभी भी। विदड्रॉ फी मतलब विदड्रॉन की कंडीशन है, मूडी व्यक्ति है ये, थोड़ा सा मूड स्विंग होता है उसका, चेंज कंडीशन आ रही है। तो फिलहाल ये है ना कि ये अभी भी स्टेबिलिटी माइंड से स्टेबल नहीं है, अभी इसका माइंड ना कभी इधर कभी किधर, अभी इधर कभी किधर हो रहा है। वो काफ़ी गुस्से में भी हो सकते हैं, किसी के पार्टनर गुस्से में भी हो सकते हैं, जो झगड़ने की मूड में हो सकते हैं। अगर आप लोग बात करोगे तो आपके झगड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि वो पास्ट की बातें याद करके उसे लग रहा है कि आपने उसे बैकस्टेप किया, आपने उसको धोखे दिए, ऐसा उसे फील हो रहा है। क्योंकि अपनी गलतियां स्वीकार करने की आदत नहीं है, मैं गलत नहीं हूँ, मैं की बीमारी जो है ना बहुत लोगों के अंदर होती है, मैं की बीमारी। तो भाई बात करोगे कोई भी कर रहे हो तो सोच समझ के करना, झगड़े हो सकते हैं आपके, लेकिन चैरियट बन के वो आपकी तरफ आएंगे। कुछ लोगों के पार्टनर जो मैच्योरिटी की लेवल के पे जा चुके हैं वो चैरियट बन के आना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर इमेच्योर पर्सन हैं, अभी भी उन्हें मैच्योरिटी अंदर से नहीं आ पाई है। हार्डवर्क करना चाहते हैं लेकिन फिर भी लेकिन चलो रिबर्थ हो रहा है इनका, इनकी अवेकनिंग हो रही है, प्रोसेस में है, फुल्ली नहीं हो पाई है लेकिन हाँ हो रही है। जिद्दी जिद्दी पर्सन है, ईगो 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 वाले पर्सन है ये, काफ़ी ज़्यादा इगोस्टिक पर्सन है ये, अपनी ईगो को डेथ होता हुआ नहीं देख पा रहा है। हाँ अभी उसके साथ क्या हुआ है ना, किसी ने उसका मनी लॉस करवाया है, उसके मनी में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है, अपॉर्चुनिटी कोई अच्छी सी खो दी है उसने, या फिर आपके बारे में सोच रहा है कि उसने खोई है अपॉर्चुनिटी, मतलब आप और आपको ग्रो करता हुआ देख रहा है। आप खुद भी वो सेल्फ लव करने के रास्ते पे जाने वाला है, खुद भी सेल्फ लव कर रहा है या फिर करने वाला है, आपको सेल्फ लव करता हुआ देख रहा है, ग्रो करता हुआ देख रहा है, और उसको उसके बाद के लिए ना जलन हो रही है, जेलसी फील कर रहा है आपको लेकर के, आपसे
भी जलस है वह व्यक्ति और आपकी तरफ आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। कुछ लोगों का पार्टनर जो है एक्शन लेना चाहता है, बट ये थर्ड पार्टी जो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स उसकी लाइफ में, जिसने उसको आपके तरफ आने से रोक रखा, या फिर यूँ कहें कि वो आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में देख के ना घबराया हुआ डरा हुआ है, बट वो आना चाहता है और स्टेबिलिटी बट नहीं देगा क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, वॉन्ड्स वाले थोड़े मतलब सही नहीं होते हैं, मैच्योर पर्सन नहीं होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं इनके माइंड, इग्नोरेंस आपको दिखा रहा था, रूड, काफ़ी रूड व्यक्ति ये हो सकते हैं, इंपल्सिव, अब्यूजिव, मतलब अजब सी एनर्जी आई है। सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के पास ऐसे हो सकते हैं जो आपको हमेशा टॉर्चर करना, परेशान करना है, इनको अच्छा लगता होगा। बट आज कंडीशन ये है ना कि एनजाइटी भी हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब माइंड सही जगह पे नहीं है, माइंड बहुत डिस्टर्ब है। आज ये करूँ तो कल अचानक से सोच चेंज हो जाती है, ये करूँ वो करूँ वो करूँ। हाँ, बट देखो बॉटम में जस्टिस का कार्ड है, तो आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपको जिस तरह से इस व्यक्ति ने आपका जो मतलब यूज़ किया, जिस भी के लिए आ रहा है मुझे, आपका जिस तरह से इसने यूज़ किया या जिस तरह से आपको परेशान किया, कष्ट दिया, आज वो खुद भी उसी कंडीशन में जा रहा है या उसी कंडीशन में जाने वाला है, जस्टिस मिलने वाला है आपको। तो यूनिवर्स और एंजल्स मिलके आपके लिए काम कर रहे हैं और आपको जस्टिस देने वाले हैं इस व्यक्ति के, मतलब इस व्यक्ति को, कोई भी ऐसा व्यक्ति, या तो उसने उसके साथ जो करना था कर दिया, कर्मा मिल चुका है, या फिर जस्ट बहुत जल्दी ही मिलने वाला है। फिलहाल तो बंदा बहुत परेशान है, बिल्कुल परेशान है, कष्ट में है, तकलीफ में है। तो इतना ही, थैंक यू।